अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी? तौसीक हैदर के लाइव सेशन में आपको कहेंगे वेलकम। लाइव विद तौसीक हैदर यहाँ मैनचेस्टर से। जब तक ईद नहीं आती, हमने सोचा रोजाना रात को 11 बजे आपकी पाकिस्तान के किसी एक सेलिब्रिटी से मुलाकात कराई जाए। भाई ऐसी बमबारी शुरू होती है जो मैं ऑन एयर आता हूं कि साथ ही हमारे आज के जो गेस्ट है वो भी आ गए और उनका इंट्रोडक्शन अब उनको ऑन एयर लेने के बाद। बड़े जनाब तारीफें सोची नहीं थी कि आज साकिब मलिक आ रहे हैं, उनके लिए ये भी कहूंगा वो भी कहूंगा शुरू में, लेकिन सीन आन के साकिब का साथ ही। वेलकम 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 टू द सेशन साकिब, हाउ आर यू? हाय तौसीक, आई एम गुड आई एम गुड। जैसे आप टाइम गुजार रहे हैं वैसे हम भी अपनी जिंदगी और टाइम गुजार रहे हैं एक आई बिल्कुल नई नो दुनिया में। आई नो आई नो आई नो। मैं साथियों को बताता चलूं भाई, पाकिस्तान के माशाल्लाह माशाल्लाह लीडिंग फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर और उससे पहले टीवी कमर्शियल के डायरेक्टर और पता नहीं क्या क्या, वो भी हम पूछेंगे कि वो टीवी सीरीज वरना कहानी हिस्ट्री हो गई। अभी भी कभी कभी दिल करता है 17 सेकंड की एक चीज बनाने का, है ना साकिब? बट मे बी यार लेट दैट बी माई फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू मिस दैट सेकंड की कैलकुलेशंस? ओह माय गॉड, यू नो आई हैव टू से दैट आई डोंट मिस इट। अच्छा मुझे कमर्शियल्स बनाते बना आई थिंक आई स्टार्टेड मेकिंग कमर्शियल्स अराउंड 1992, सो अच्छा ऑलमोस्ट कितना साल हो गए, 99, नियरली 30 30 इयर्स, 28 इयर्स, थर्टी हाँ तकरीबन। एंड अभी भी थोड़ा बहुत वो काम करता हूँ, बट आई रियली डोंट मिस इट। आई थिंक एक टाइम होता है हर चीज़ का। आई हैड अ है ना, ग्रेट माशाल्लाह। इनिंग्स एंड देयर सो मेनी न्यू पीपल डूइंग अमेजिंग स्टफ। यस आई एम स्टिल डूइंग कमर्शियल्स, लेकिन एक जो वो रैट रेस लगती थी और वो जो एक आप समझे हमारी जिंदगी भी सेकंड्स के हिसाब से चलती थी, आई सिर्फ एड्स नो नहीं जिंदगी भी सेकंड के हिसाब से चलती थी। मुझे याद है 1998 में जब मैंने अपना फर्स्ट कमर्शियल किया हेड एंड शोल्डर्स का, तो साकिब वाज द जी डायरेक्टर और मैं बड़ा एक्साइटेड। यस क्यों? इसका मतलब मेरे बाल बड़े खूबसूरत हैं अगर हेड एंड शोल्डर्स वालों ने मुझे कॉल किया है, और जनाब यस साकिब ने वो डायरेक्ट किया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, बल्कि मैं बहुत मजे के एनेक्डोट आपको बताऊं कि अब मुझे कोई कमर्शियल्स में काम करने का, मैं उस का मॉडल तो था नहीं कि जी रोज कमर्शियल्स कर रहे हैं, आई वाज अ टीवी एंकर। तो अब ना जब सेट में बैठे थे तो अब वो एक शॉट होता था कि यूं मुड़ना है और यूं करके कुछ माइक कुछ करना है और बालों का ऐसे यहाँ पे यूं आके गिरने हैं, तो ये अब साकिब ने वो एक विजुअल सोचा और मैं कहूं यूं मैं करूं। अब वो कोई 3 सेकंड का इंसर्शन था, साकिब की उधर से आवाज आए, पूरा क्रू खड़ा हुआ, सबकी आवाज है वंडरफुल ब्यूटिफुल वेरी गुड जबरदस्त। मैं सोचू कि ओके हो गया, लेकिन तो एक दफा और कर दो जरा। अच्छा शुरू शुरू में तो मुझे समझ नहीं आई ये ट्रैप क्या है, बाद में पता चला ये साकिब मलिक का ट्रैप होता है। एक्चुअली यू नो उस दौर में बहुत सारा जो हम लोग काम करते थे, क्योंकि हम समझे कि ये इंडस्ट्री अपने कदम जमा रही थी। यू नो वी वर द पीपल हु हैड कम इन एट अ टाइम व्हेन द होल मीडिया सीन हैड टेकन ऑफ, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वाज टेकिंग ऑफ, द कमर्शियल इंडस्ट्री वाज टेकिंग ऑफ। तो हमें कुछ इतने ना हमारे पास सपोर्ट सिस्टम से ना इतना पता होता था, हम तुक्के में चीजें करते थे। हेयर की फॉर एग्जाम्पल बाकायदा एक साइंस होती है, उसकी उसकी हेयर की प्रिपरेशन होती है। जो आप बाल टीवी पे देखते हैं वो ऐसे ही नहीं होते, उसके पीछे एक पूरा अच्छा साइंस है। और वो तो हम लोग तो बस ऐसे ही कर रहे होते थे कि बस किसी तरह वो बाल सही अपने ही जगह पे आके बैठ जाएं। तो जब तक वो होता नहीं अच्छा था हम करते रहते थे। इट वॉज ऑल ट्रायल बाय एरर। ये बताएं, अब ये जो बालों के आजकल जो एड्स बनते हैं, अभी अंदर की हमें बात बताएं, उसके अंदर जी क्या कोई बहुत से ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं कि वो बड़े हसीन लग रहे हैं और असल में ऐसा नहीं होता, कि नहीं, इसमें ऑफ कोर्स फेक फेकनेस है? आपके जो 90% जो एड्स होते हैं स्पेशली खवातीन के, आई वुड से ऑलमोस्ट 100%, सबसे पहले तो वो रियल बाल अक्सर उनके होते नहीं हैं, होते लेकिन बहुत सारी वो डाल लगाई होती हैं, क्या कहते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशंस। ताकि बालों में वॉल्यूम आए। फिर जो एक्चुअल बाल होते हैं और एक्सटेंशन होते हैं, दे गो थ्रू मेनी ट्रीटमेंट्स, प्रोटीन ट्रीटमेंट, हाँ ग्लॉसिंग ट्रीटमेंट्स, वो 2 दिन की तो ट्रीटमेंट्स होती हैं ताकि बालों में शाइन आए, ताकि बालों में वेट हो, एक्सटेंशंस लगती हैं। फिर शूटिंग के वक्त एक बाकायदा देयर इज अ हेयर एक्सपर्ट जो बताता है कि बाल इस तरह घुमाने हैं, वो धागे से इस तरह उछालने हैं। फिर पोस्ट प्रोडक्शन में काम होता है कि वो जो जिन चीज़ों से हमने बालों को मूवमेंट दी होती है उनको मिटाना,
तो बहुत सारी फ्लाई अवे को हटाना, तो उस जमाने में जब आपके साथ और सादिया इमाम के साथ मैंने वो ऐड किया था, तो हमने तो हाँ बिल्कुल एक नॉन एयर कंडीशन स्टूडियो और हॉल में तुक्के पे और थ्रू द शेयर फोर्स ऑफ विल हमने किया था, और फिर भी वो अच्छा बन गया था। लेट मी फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसका मतलब मेरे और सादिया के बाल वाकई बहुत खूबसूरत थे, जो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की बिल्कुल जरूरत थी। बिल्कुल थे। अच्छा साकिब, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग कि मैं आपसे बाजी की बात करूं। तो जी जी बाजी का कोई कोई मजेदार ऐसा वाक्य सुनाए। हमने सुना है कि मीरा, जो कि वैसे बड़ी बड़ा मुश्किल है मीरा जी को हैंडल करना, और आपके साथ उनकी बड़ी बनती थी और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सच में कोई नखरा नहीं, कोई टफरा नहीं, इज दैट ट्रू या कोई सीन था कभी? यू नो जब व्हेन आई डिसाइडेड आई वाज गोइंग टू कास्ट मीरा इन दिस फिल्म एंड दैट मीरा वाज परफेक्ट फॉर द रोल, मैंने मीरा से बात की और मैंने उनको बताया कि देखें ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है, मेरा भी पहला प्रोजेक्ट है, मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ, और आपने बहुत अच्छे से काम भी नहीं किया है, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई है, द वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, बट फ्रॉम डे वन शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, शी ट्रस्टेड मी एंड वंस शी कमिटेड शी रियली गेव मी हर एवरीथिंग। यस अच्छा कुछ चीज़ें थी जिनसे वो खुश नहीं होती थी, कुछ बिहाइंड द सीन्स मुझे सुनने में आता था, मेरे असिस्टेंट से चीज़ें हो रही होती थी, बट व्हेन शी अराइव्ड ऑन सेट शी वाज 100% कमिटेड एंड वी वर्क वेरी हार्ड बिकॉज ऑब्वियसली मीरा वाज द बिग स्टार ऑफ द 90s एंड 2005, और समझे उन्होंने 10-12 साल बहुत कम काम किया था, टीवी में काम किया था लेकिन फिल्म पर, बट वंस मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ इन प्रोफेशनल्स का, इन लोगों की ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई हुई थी इतने मुश्किल हालात में स्टूडियोज में कि उनको अपनी टाइमिंग दोबारा अपनी फुटिंग ढूंढने में टाइम नहीं लगता। तो मीरा वॉज अ थरो प्रोफेशनल, अ कॉन्समेट प्रोफेशनल, शी गेव इट हर बेस्ट, आई वर्क वेरी हार्ड विद हर एंड आई हैव टू ऑल्सो गिव क्रेडिट टू ऑल द हर को स्टार्स, ऑल द को स्टार्स वर्क वेरी हार्ड एंड वर वेरी सपोर्टिव ऑफ मीरा, मीरा वॉज ऑल्सो हेल्पफुल टू देम बट दे वर वेरी सपोर्टिव इन हेल्पिंग हर कम ऑन बोर्ड बिकॉज बाकी जितने भी एक्टर्स थे फिल्म में देर ऑल रेगुलर, वो तो काम कर रहे हैं रेगुलरली, चाहे वो आमना इलियास हो या चाहे उस्मान खालिद भट्ट हो या मोहसिन उस्मान हो हो, या अली काजमी मोहसिन हो। है या नैयर एजाज हैं, तो मीरा तो आप समझे कि एक बड़े सेटअप की फिल्म बहुत अरसे बाद करी थी, बट दी एक्टर्स वर वेरी पेशेंट विद हर एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू पुट हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, सो रियली आई हैड नो इश्यूज विद हर, शी इट वॉज स्मूथ सेलिंग। यस उनको अच्छा बाद में इश्यूज बाजी, हुए के जब उनको पता चला कि उनके कैरेक्टर्स के साथ कुछ हादसा होने, मैंने उनको स्क्रिप्ट सुना दिया था लेकिन मैंने उनको स्क्रिप्ट दिया नहीं था बिकॉज मैंने किसी को नहीं दिया था, बिकॉज आई वांटेड टू मेंटेन अ लिटिल सैंक्टिटी अबाउट द स्क्रिप्ट, आई डिडंट वांटेड टू गेट आउट एंड आल्सो आई डिडंट वांट कि कोई रट्टे लगाए, मैं चाह रहा था कि मैं लोगों को उनके कैरेक्टर्स दूँ और स्क्रिप्ट एक दिन पहले दूँ, तो कुछ चीज़ों अच्छा पर मगर उसके जो सेलियंट पॉइंट्स थे मीरा को मैंने बता दिए थे, जिन चीज़ों पे उनको इतराजात हो सकते थे मैंने मीरा को बता दिया था, ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें थी जो मीरा की अपनी लाइफ से भी बहुत मिलती जुलती हाँ, मैं भी रूमर्स बिल्कुल उस पर जिनकी, बड़े तो एतराज नहीं मैंने किया क्योंकि मीरा वो को बड़ी बता दिया था, आई टोल्ड ओके मीरा ये सब कुछ है, शी सेड नो प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू डू इट एंड शी वाज टोटली ब्रेव एंड गट्सी एंड बोल्ड एंड आई हैव टू गिव अ फुल क्रेडिट, बट कुछ चीज़ें थी जिसमें बाद में शी सेड नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, और जो कुछ होता है आपने मेरे कुछ सीन काट दिए, मैंने कहा भाई वो तो एडिटिंग टेबल पे जब आप फिल्म बनाते हो तो जो शूट करते हो जो फिल्म की बेहतरी के लिए होता है वो करते हैं, लेकिन शी वॉज अ डिलाइट एंड आई थिंक शी डिड जस्टिस टू हर रोल। एब्सोल्युटली। अच्छा बाजी में, अब आपने जब बाजी देखते हो रिलीज होने के बाद, उस बात कौन सा एरिया है विच यू थिंक जिस पे थोड़ा सा और आप बेहतर कर सकते थे? लाइटिंग, म्यूजिक, क्या चीज, कास्टिंग, कोई ऐसी चीज जो समझते हो कि जरा 10 में से 6-5 नंबर जरा कट गए, थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, आई इफ यू थिंक हैड मेबी मोर देखिए बजट और समथिंग? आई थिंक एक आर्टिस्ट होते हुए या एक क्रिएटिव पर्सन होते हुए हमेशा एक आस रह जाती है कि आप कुछ बेहतर कर सकते थे, बट हैविंग सेड दैट यू सी बाजी में तमाम खामियां अगर हैं, कोई खामी है या कोई उसमें अच्छी चीज़ है, मैं सब चीज़ों का क्रेडिट लूंगा क्योंकि वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एंड सो आई वुड से दैट ओवरऑल वट आई सेट आउट टू डू आई डिड विद द फिल्म,
आई एम वेरी हैप्पी विद द एंड प्रोडक्ट. आई थिंक द कास्टिंग वाज परफेक्ट. बहुत आई अच्छी फिल्म एग्री, की ड्रीम कास्ट थी. हर पर्सन अपने रोल में बेहतरीन तरीके से फिट हुआ था. अगर कहीं थोड़ी सी कमी हुई थी तो आई थिंक फिल्म के स्क्रीन प्ले में हुई, क्योंकि देखिए मेरा पहला तजुर्बा था उर्फी, क्योंकि बेसिकली टीवी के राइटर हैं, उनका भी फिल्म का पहला तजुर्बा था. तो स्क्रीन प्ले में हम थोड़ा सा, क्योंकि जब आप बनाते हैं तो आपको आइडिया होता है, हालांकि हमने बहुत मेहनत की थी इस फिल्म को लिखने में, हमने साल 1.5 साल लगाया था, लेकिन कुछ स्क्रीन अच्छा प्ले में चीजें और बेहतर हो सकती थी और एडिट में कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी. क्योंकि जब मैंने पहली ये फिल्म एडिट की तो इट वॉज ऑलमोस्ट 2 hours 45 minutes, बट वी सेड कि 2 hours 45 minutes में ये फिल्म नहीं आजकल कोई देखेगा. आजकल जो एक हाँ ड्यूरेशन है 2 hours 2 घंटे 10 minutes की ड्यूरेशन है, उससे लंबी फिल्म लोग सिनेमा में नहीं देखना चाहते. तो फिर हमने इसको शॉर्ट करते गए, शॉर्ट करते गए. आई फाइनली फिल्म 2 घंटे 10 मिनट पे आई, लेकिन आई थिंक इट कुड हैव, वी कुड हैव एक्सटेंडेड इट 2 hours 15 minutes. कुछ चीज़ें हमने निकाल दी जो शायद मुझे नहीं निकालनी चाहिए थी. कुछ सीन बहुत अच्छा, एंटरटेनिंग थे, आज तो भी वो वो सीन पे रिलीज मुझे करो याद ना, है. वो अलग से रिलीज नहीं करने। अच्छा नहीं, एक तो हमने सीन रिलीज कर दिया, आप जाके देखें बाजी डिलीटेड सीन, जो नई रिजाज का पूरा एक ट्रैक का सीन है, आप जाके देखें यूट्यूब पे बाजी डिलीटेड सीन, उसमें मुस्तफा कुरैशी और नई रिजाज का पूरा एक ट्रैक था, मुस्तफा कुरैशी ओके, चलो साहब जी का. वो मैं देखूंगा वो जाके। फिल्म हम नहीं डाल सके, क्योंकि वो फिर जब हमने फिल्म देखी तो मुझे लग रहा कि हम जरा ऑफ ट्रैक चल रहे थे मेन फिल्म से. तो मुझे कुछ चीजें निकालनी पड़ी, कुछ स्क्रीन प्ले में हम चीजें बेहतर टाई अप कर सकते थे, बट ओवरऑल आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद इट. आई थिंक अच्छा, एवरीबडी इन द टीम मैंने बी वेरी हैप्पी. सुने कोई नैयर एजाज और मोहसिन की भी कोई बड़े चस्केदार सीन थे, बड़े वो निकाल दिए थे। नहीं, रिजाज और मुजन के कोई चस्केदार सीन तो नहीं थे. आई थिंक उनका ट्रैक काफी चस्केदार था बकौल, और उसमें उस ट्रैक में हमें जरा सा बड़ा केयरफुल होके चलना था, बिकॉज पहली दफा स्क्रीन पे हम एक इस टाइप की रिलेशन दिखा रहे थे बिटवीन यू नो टू मैन एंड. और आपको पता है हमारी मीडिया इंडस्ट्री में तो हर किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, गिव एंड टेक के, चाहे वो कोई भी जेंडर हो. एंड उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नेसेली अब्यूज है या कास्टिंग काउच है उसमें, यू नो तेरी मेरी एक मर्जी वाला सिस्टम भी होता है. तो फिल्म में वो मैं एलिमेंट मैंने डाला था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मोहसिन का कैरेक्टर जो है, ही इज अ कैरेक्टर हु वांट्स टू मेक इट इन लाइफ, और वो एक अंदरूनी शहर का लड़का था, उसके पास का क्या मवाके हैं. और नैयर एजाज का जो कैरेक्टर था वो एक बड़ा मंझा हुआ एक टैलेंट मेकर कैरेक्टर है, स्टार मेकर कैरेक्टर है, जिसका दौर खत्म हो गया है. लेकिन मैंने उसको भी नेगेटिव या चीप तरीके से नहीं दिखाया, मैंने उसको कोशिश की कि एक फुल फ्लेज 3 डायमेंशनल कैरेक्टर के तौर पर दिखाऊं. मगर तो उसका ट्रैक जो था थोड़ा प्रोवोकेटिव था. कोई ऐसे सीन्स नहीं थे, उनके एक दो सीन्स थे जो मैंने एडिट इसलिए किए क्योंकि फिल्म की तवालत बचाने के लिए और फिल्म का एडिट का फ्लो रखने के लिए, वरना हमने फिल्म में सब कुछ रखा. अच्छा साकिब, जो म्यूजिक था, आपने बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया, और आप भी पाकिस्तानी फिल्मों, ओल्ड फिल्म्स के बहुत म्यूजिक के बड़े बहुत बड़े फैन हैं, खुद भी उर्फी भी इसी तरह का शख्सियत है। तो क्या हम ये, अगर मैं समझूं कि साकिब मलिक आजकल के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनसे सही फिल्मी म्यूजिक का ट्रस्ट नहीं था, और इसलिए पुराने म्यूजिक को रीडू किया? डिड यू नॉट ट्रस्ट द कंटेम्प्रेरी म्यूजिक डायरेक्टर्स टू गिव यू फुल फ्लेज्ड फिल्मी स्टफ? वेल एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज यू नो बाजी एक, आई वॉन्टेड बाजी टू वर्क एट 2 लेवल्स. वन, आई वॉन्टेड बाजी टू वर्क एट द लेवल ऑफ बींग अ फिल्म ऑफ टूडे, ठीक है, यानी नॉट बॉलीवुड, नॉट लॉलीवुड, टू बी अ फिल्म वेरी मच ऑफ टूडे, वेयर कैरेक्टराइजेशन, अ सर्टन स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, अ सर्टन स्टाइलाइजेशन इन द स्टोरी, 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स, ताकि वो एक आज की फिल्म लगे. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट अ ट्रिब्यूट टू लॉलीवुड, और मैं चाहता था कि लोग देखें कि फिल्म देख रहे हैं हमारी लॉलीवुड की ट्रेडिशन की एक फिल्म देख रहे हैं, लेकिन एक अपडेटेड लॉलीवुड का वर्जन देख रहे हैं. लॉलीवुड 2.0, लॉलीवुड 2019. तो ट्वेंटी मगर नाइनटीन मैं ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ जी, और लोगों ने जब फिल्म देखी तो सबने ये कहा कि हमें बड़े अरसे के बाद फिल्म नजर आई है. तो इसलिए मैं उस फिल्म में गाने भी डालना चाह रहा था, और क्योंकि मैं पुराने लॉलीवुड को ट्रिब्यूट पेश कर रहा था और फिल्म का पसमंजर जो था वो फिल्म इंडस्ट्री था,
एंड इट वॉज अबाउट अ स्टार फ्रॉम द 90s, तो इसलिए मैंने उस फिल्म में कुछ पुराने गाने रीडू किए जो मेरे बचपन के थे, जो मुझे बहुत पसंद थे, बड़े जबरदस्त। खिलती गली को देखकर याद मुझको क्या हुआ, और वो गाने हमने रीडू अच्छे तरीके से किए बिल्कुल लेटेस्ट अंदाज में बाय द लेटेस्ट म्यूजिशियंस। तहा मलिक इज अ वेरी कूल इंटरनेशनल यू नो गाय हु डिड खिलती कली एंड टोटली रीडिड इट एंड मेड इट एंटरटेनिंग फॉर टुडेज ऑडियंस, ताकि वो गाना भी मेहंदियों पे बजे और पार्टीज पे बजे और लोग उसको एंजॉय करें। तो उसको और सिमिलरली जमाल रहमान जिसने हमारा बैकग्राउंड किया, तो उसने ये आज मुझको क्या हुआ बिल्कुल नए अंदाज में किया, जो नताशा नूरानी और आयमा बेग ने सिंग किया और जेब ने या खिलती कली किया था, तो वो बिल्कुल नए तरीके से किए थे। इसके अलावा फिल्म के जो बाकी गाने थे, फिल्म में 9 गाने थे, बाकी जो गाने थे वो सारे नए थे। गैंगस्टर गुड़िया वॉज अ टोटल टूडेज सॉन्ग, गैंगस्टर गुड़िया यस वॉज डन बाय तहा। उडाइजा वॉज अ न्यू ट्रैक, लोग कहते हैं कि पुराने उडाइजा से था लेकिन नहीं था, उसके वर्ड्स बिल्कुल नए थे। That my father was calling, so I have to. I just told him. No, not a problem. ये probably दोबारा call करेंगे, so I'm sorry. You'll have to just. No problem. को कर दूँगा. वो रोज यही हो रहा था, किसी ना किसी की calling आ रही होती बीच में. No problem. तो gangster गुड़िया था, उडाइजा था, फिर पुराना एक और गाना था जो मीरा और उस्मान पे मरी में हमने shoot किया था, पुराना नहीं नया गाना था वो. That was also a new song on मरी का खान. Then there was two songs that Tafu Saab had done for us. And I wanted Tafu Saab, the legendary Tafu Saab, jinhone ye Sunbe Balori Akwalia, Munda Sheher Lahore, the 1970s Punjabi filmon ka music dena shuru kiya tha, Madam Noor Jahan ka from the 70s, and he has continued giving super hit music till now. Main chah raha tha ki wo bhi flavor film mein aaye along with all the modern फ्लेवर एंड द फिल्मी फ्लेवर। तो उन्होंने ताफू साहब ने मेरी फिल्म के लिए बाजी के लिए 2 गाने किए थे। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब ये बताएं ऐसी इस वक्त मुझे में पुराना म्यूजिक भी था नया म्यूजिक भी था, देयर वाज म्यूजिक फॉर एवरी टेस्ट। ठीक है अच्छा साकिब ये बताओ कि अब फ्यूचर में इंशाल्लाह डेफिनेटली आप मूवीज का काम कर रहे होंगे, सोचोगे पाकिस्तान की मुझे कोई एक फीमेल और एक मेल ऐसे एक्ट्रेस बताएं जिनके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया बट यू रियली वॉन्ट टू डायरेक्ट देम। वेल यू नो कंसिडरिंग आई हैव डन कमर्शियल्स फॉर सो लॉन्ग, तकरीबन मैंने सारे सबके साथ ही कर। हाँ चलो कमर्शियल्स के अंदर से मतलब फिल्म में किसके साथ काम करना। आई हैव वर्क विद मायरा खान। ओके आई हैव वर्क विद मायरा एंड आई वुड बी क्वाइट एक्साइटेड टू वर्क विद हर इन अ प्रोजेक्ट, बट आई रियली मेरी कोई वो नहीं है कि कोई ऐसा एक्टर रह गया जिसके साथ मैं खास काम करना चाहता हूँ। बात सारी होती है आपके कैरेक्टर्स की, जो कैरेक्टर पे फिट होता है आप उसके साथ उसको कास्ट करना चाहते हैं। बट आई वुड से कि देयर आर सम स्टार्स ऑफ द फ्यूचर हु विल डू वेरी वेल इन फिल्म्स एंड अमंगस्ट देम वहाज अली टीवी के एक एक्टर है, उनके फेस में मैंने एक फिल्मी पन देखा है, वो एक पूरे हीरो की तरह उनकी एक लुक है। आई थिंक ही इज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। देन आई थिंक सज्जल इज इट वांस शी गेट्स द राइट फिल्म शी विल मेक अ वेरी गुड फिल्म स्टार। आई थिंक दीज टू आर गोइंग टू बी बिग फ्यूचर फिल्म स्टार्स। लो भी वहाज और सज्जल है ना, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगली फिल्म में हो सकता है हमें नजर आ रहे हो साकिब की अगली फिल्म में बहाज और सज्जल? नो मे बी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर्स। काम शुरू किया नहीं, फिल्म बनेगी डिजिटल बनेगा क्या होगा अब तो okay. सब कुछ क्वेश्चन मार्क है। आई नो अभी तो सीन ही और हो गया है। अच्छा आजकल किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है? आजकल आई थिंक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम है साकिब मलिक, क्योंकि यू नो हमने हम लोग इस फील्ड में होते हैं इतनी एक कोई रैट रेस है होती है, इतनी हम लोग अपनी लाइफ हंगामे में गुजारते रहे हैं पिछले कम से कम मैं पिछले 30 सालों से कि कभी टाइम ही नहीं मिला कि अपना सोचें, अपनी रिदम्स वापस लाएं, अपना ख्याल रखें। तो ये जब कोरोना आया तो सबसे पहले तो जब कोई क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है
तो मैंने कहा भाई आई हैव टू गेट माय ओन लाइफ इन ऑर्डर, आई नीड टू गेट माय ओन स्केड्यूल इन ऑर्डर. तो मैंने बहुत सारी चीजें की हैं जो मैंने कभी पिछले बचपन से नहीं की. रेगुलर अच्छा एक्सरसाइज, प्रॉपर टाइम पे खाना पीना, मूवीज देखना जो मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था. मेरे पास नेटफ्लिक्स भी नहीं था, ना मेरे पास स्मार्ट टीवी थी. लोगों के साथ, दोस्तों के साथ दोस्तियां निभाना, फोनों पे बात करना कभी टाइम ही नहीं मिलता था. फैमिली के साथ स्पेंड टाइम करना, टू टॉक टू माई पेरेंट्स एवरी डे. सो ये चीजें आप समझे एक बहुत, और सोचना जिंदगी के बारे में, सोचना लोगों के बारे में, सोचना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, पढ़ना, ये चीजें तो कभी टाइम ही नहीं मिलता था. तो मैंने कहा ये एक दुनिया में एक ऐसा टाइम आया है जहां पे आपकी वाह, सारी प्लान जो है वो यूजलेस है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है. तो ट्रू, क्यों प्लान करें, व्हाई नॉट लिव द मोमेंट, इस वक्त इस पल को जिए और कंसीव जबरदस्त, करना छोड़ दें और इस पल को जिए और इस जिंदगी का मजा तो उठाएं. हम लोग तो या तो पीछे का सोचते हैं या आगे का सोचते हैं, या वो प्लानिंग में लगे रहते हैं. तो मैं खुदा की कसम, बहुत जबरदस्त। ये वक्त बहुत लोगों के लिए बहुत वेलकम टू द मुश्किल भी क्लब, है, वेलकम टू द क्लब। ये वक्त बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी है. लेकिन अरे ये है कि वो तो हम जो दूसरों के लिए कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी बहुत करना जरूरी है. तो ये करो, बाकी दिमाग आइडियाज चल रहे हैं. और मैं आपको तो तस्दीक में एक चीज बताऊं कि आई एम नेवर द काइंड ऑफ पर्सन टू फोर्स आइडियाज. आप आइडियाज फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये एक ऐसी चीज है जो आपके पास आती है, आपका अच्छा ब्रेन वेव आता है, फिर वो ब्रेन वेव एक आप समझे सीड है जो आप बेरी करते हैं, उसको वाटर करते हैं, उसको नरिश करते हैं, और वो फिर एक अपनी आप वो खुद ब खुद उसकी लाइफ बढ़ती जाती है. तो अगर मैं भी चाहूं भी कि अच्छा मैंने अब अगले साल फिल्म करनी है, तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं कमर्शियल्स तो आप करते ही हैं, प्रोजेक्ट आता है आपके पास एक हफ्ता होता है करने के लिए, लेकिन क्रिएटिव काम, चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो या चाहे वो फिल्म हो, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि इसको अच्छा धंधा बना के अगले साल फिल्म करनी है. कुछ आइडियाज हैं मेरे माइंड में, वो आइडियाज खुद ही जन्म लेंगे, खुद ही पले बढ़ेंगे, और हो फिर सकता है एक 5 साल दिन लग जाए। हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है कि 3 महीने में हो जाए. बाजी का आइडिया मेरे दिमाग में 3 सालों से था, और फिर 3 साल लगे उसको जेस्टेट करने में, या क्या कहते हैं उसको रियलाइज होने में, और उसके बाद फिर 2 साल हमने इस पे काम किया है, तो 5 साल के बाद बाजी फिल्म बनी है. हाँ अच्छा साकिब, ये बताओ कि क्या बाजी में कोई आर्टिस्टिक या इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रोमाइजेस भी साकिब मलिक ने किए जस्ट उसको एक सेलेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए? हैड यू नॉट हैड द प्रेशर ऑफ मेकिंग मेक इट अ हिट, तो बहुत सी चीजों, मतलब जो साकिब मलिक है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मुझे नजर आया स्क्रीन के ऊपर। बेशक आया होगा, बट आप ये देखें ना कि आप पहले डिसाइड करें कि आप क्या बनाने जा रहे हैं. मैं तो एक फिल्म, कमर्शियल फिल्म बनाना जा रहा था. आई वाज नॉट आउट टू मेक अ आर्टिस्टिक स्टेटमेंट और अ फिल्म फॉर फिल्म फेस्टिवल. हालांकि बाजी ने क्रिटिक्स ने बहुत सराहा, और फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी गई, इंटरनेशनल प्रॉपर बिल्कुल फेस्टिवल्स में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इस थ्रेशोल्ड से क्रॉस करके बाजी को एक फेस्टिवल्स में पसंद करेंगे. क्यों? मगर मैं तो एक कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहा था, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसमें वो बहुत सारे जो तकाजे होते हैं एक आर्ट के वो होंगे. मैं कमर्शियल आर्ट बनाने जा रहा था, और मुझे पता था कि बहुत सारे लोग इसको नापसंद भी करेंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने खमाज देखा है या मेरे वीडियोज नारे ना देखे हैं, या दूसरे जो मेरे वीडियोज हैं इसे देख के वो डिसअपॉइंट भी होंगे कि ये क्या साकिब ने बना दिया. मुझे पता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं एक ऑडियंस के लिए फिल्म बनाने जा रहा हूँ जो सिनेमा में 600-700 रुपए लेकर देखने आएगी, और मैं बॉक्स ऑफिस पे कामयाब फिल्म बनाना चाह रहा था. तो मैंने वो तमाम मसाले डाले, लेकिन मेरे ख्याल में हमने सबने टीम ने मिलकर एक रेसिपी के तहत डाले, ऐसे भोने दाज में नहीं डाले, कि फिल्म कमर्शियल तौर पर भी कामयाब हुई, और लोगों ने कहा कि एक अच्छी तफरी थी, एक सुलझी हुई तफरी बिल्कुल थी, एक बोल्ड तफरी थी, फिल्म का एक फ्लेवर था, फिल्म की एक अपनी ऑथेंटिसिटी थी, ऑथेंटिक वॉइस थी, इसीलिए पूरी दुनिया में फिल्म देखी गई. पाकिस्तान में माशाल्लाह से एक नॉन स्टार फिल्म होने के बावजूद, एक नॉन कमर्शियल टॉपिक होने के बावजूद, फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया. आप देखिए मेरी फिल्म में कोई बड़े स्टार्स नहीं थे, फिल्म स्टार्स बड़े नहीं थे,
एक्टर्स अच्छे थे लेकिन कोई स्टार्स नहीं थे। फिर फिल्म का ट्रू टॉपिक ट्रू बिल्कुल हटके था, ना रोम कॉम था ना कॉमेडी थी, एक हाँ ड्रामेटिक थ्रिलर फिल्म थी, एक बिल्कुल हटके टॉपिक पे जिसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं थे। तो फिल्म ने फिर भी फॉर्मूला फिल्म ही। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो मेरे ख्याल में लोगों की तनकीद अपनी जगह, और मैंने भी अपने आप पे तनकीद की। जैसे मैंने कहा स्क्रीन प्ले में कुछ चीजें हो सकती थी, लेकिन जो मैं बनाना चाह रहा था कि एक अच्छी तफरीही फिल्म, सुलझी हुई तफरीही फिल्म, आई थिंक वो बनाने में हम लोग कामयाब हो गए। साकिब, पाकिस्तान में फिल्म का फ्यूचर आप क्या देख रहे हो, खासतौर पे अब कोविड 19 तो चलो अल्लाह करे वो तो एक मैं तो उसको कहूंगा इनशाला इनशाला ये वक्ती चीज है, ज्यादा ज्यादा ये साल इफेक्ट इंशाल्लाह होगा हमारा सिनेमा, लेकिन जनरली द लॉन्गर रन आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कैसे देखते हो? 2019 में सुपरस्टार, आप जैसी और भी अच्छी फिल्में आई, उसके बाद वेयर डू यू सी अस गोइंग? वेल, यू नो 2019 वॉज नॉट अ गुड ईयर फॉर पाकिस्तानी सिनेमा, क्योंकि चार पांच फिल्मों ने ही बेहतर बिजनेस किया, और जो बड़ी फिल्में थी जिनकी तवक्को की जा रही थी कि वो सुपर हिट बिजनेस करेंगी, जैसे सुपरस्टार और परे एट लव, उन्होंने तवक्को के मुताबिक बिजनेस नहीं किया। अगर आप 2018 की फिल्में देखें जिन्होंने बम्पर बिजनेस किया था, जैसे JPNA ने 50 करोड़ का बिजनेस किया था, और परवाज है जिन्होंने 35 करोड़ का बिजनेस किया था, तो ये फिल्मों ने वो बिजनेस नहीं किया। और इसकी वजह कुछ ये हो सकती है कि वो फिल्में शायद लोगों ने इतनी पसंद ना की हो, पर इसकी ये भी वजह थी क्योंकि इंडियन फिल्में नहीं चल सिनेमा में आ रही थी। लोग, हमारा सिनेमा चल रहा था ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फिल्म्स, तो इंडियन फिल्म्स की एक ग्लैमर, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू, उनका जो उनकी वजह से लोग सिनेमा आ रहे थे, सिनेमा बन रहे थे। तो जब जनवरी 2019 में वो बंद हो गया सिलसिला, तो फुटफॉल बहुत कम हो गया। तो ऑलरेडी हम लोग 2019 बिफोर कोविड वी वर सफरिंग, और हम लोग पाकिस्तान में इतनी फिल्में और इतने मयार की फिल्में नहीं बना रहे थे कि लोगों को उस फ्रीक्वेंसी के साथ सिनेमा में ला सकें। तो एक तो ये प्रॉब्लम चल रहा था, दूसरा ये कि ऑब्वियसली आफ्टर कोविड इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर पीपल टू कम टू सिनेमाज एंड यू नो ट्रस्ट कि आप उस माहौल में, एक कम्यूनल माहौल में कोई चीज करें कि कैसे करेंगे, और इतने पैसे देके लोगों के पास वो बाइंग पावर भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, इकोनॉमी जो है वो सुकड़ रही है, फिर लोगों के दिमाग में खौफ है। तो वी हैव सम टफ टाइम्स अहेड ऑफ अस। मुझे बड़ा बड़ा परेशान हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे हुए थे और जिनकी फिल्में तकरीबन खत्म हो गई थी। बहुत सारी बड़ी फिल्में आ रही थी 2020 के लिए, जी बिल्कुल, नबील फिजा की फिल्म, हुमायूं सईद की फिल्में, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है वजाहत के, जो एन कंप्लीट होते होते ARY की फिल्में जो लोग बनाने जा रहे थे, हसीब जिन्होंने पिछले साल परवाज़े जुनून बनाई थी, सब प्रोजेक्ट्स वो स्टॉल हो गए, एंड लोगों की उनमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, होप्स हैं, और तो दैट्स अ वेरी टफ टाइम। बिल्कुल बट आई थिंक कि ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जाके सही हो जाएगा, लेकिन ओके okay. इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड आई थिंक ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली वी विल नीड टू गेट इंडियन फिल्म्स बैक, ताकि इतना वॉल्यूम ऑफ एंटरटेनमेंट आता रहे कि सिनेमाज के पास भी कुछ दिखाने को हो और लोगों में भी इंटरेस्ट आए। अभी हमें 2-3 साल इंडियन फिल्मों की मजीद जरूरत थी, जब तक हमें इतना इस्तेहकाम ना मिल जाता कि हम लोग साल में 50 फिल्में ना बना रहे होते। अभी हम लोग अच्छा 20 फिल्में बना साकिब, आप जो बात कह रहे हैं इंडियन पाकिस्तान में इंडियन फिल्म के रिलीज होने के हवाले से, यूजुअली मैंने हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी जो पाकिस्तान की है उससे ये वाला नैरेटिव आते बहुत कम देखा है। ज्यादातर जो आपके भी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स भी हैं डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स एक्टर्स, वो ज्यादातर ये कह रहे होते हैं नहीं जी नहीं, इंडियन फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करना है, हमें मौका दें। और लेकिन आप एक डिफरेंट एंगल से इस चीज को देख रहे हैं, उस नैरेटिव को उस पर्सपेक्टिव के बारे में आपका क्या ख्याल? देखिए तौसीक बड़ा क्लियर है इस बात पे। देखिए इस बात को आप अलग कर दें कि राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट वॉर, यू नो अनफॉर्चुनेटली विद आवर नेबर्स इंडिया, एंड यू नो द सिचुएशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन कश्मीर, पुट्स अस इन द पोजिशन के वी कांट रियली सपोर्ट इंडियन कंटेंट ओवर हियर। और बाय द वे इसकी पहल इंडिया ने की थी, अगर आपको याद हो
तो अजय देवगन और कुछ इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने था जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में अपनी फिल्में नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी करके एक बहुत बड़ा मार्केट, पाकिस्तान वॉज बिकमिंग द नंबर टू मार्केट फॉर इंडियन फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, नंबर वन वॉज इंडिया, नंबर टू वॉज पाकिस्तान, उन्होंने बहुत बड़े मार्केट को खुद रोका फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, उन्होंने फिल्में रोक ली। उसके बाद जब ये सारे मसले हुए बॉर्डर्स पे और फिर ये इश्यूज हुए, तो वी डिडंट हैव अ चॉइस, बहैसियत एक कंट्री वी वर पुट इन अ कॉर्नर एंड वी हैड टू मेक सर्टेन डिसीजंस एंड वी हैड टू से ओके नो टू इंडियन फिल्म्स। मगर आप उस चीज को अलग निकाल दें, अगर आप प्योर बिजनेस की बात करें, प्योर बिजनेस की, तो अगर आप किसी भी फिल्म मेकर, जो आज का फिल्म मेकर है, जो आज की इंडस्ट्री में एक्टिव है, उससे पूछें, वो सब कहेंगे कि इंडियन फिल्म्स का फिल्म इंडस्ट्री में होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे फुटफॉल होता है और उससे फिल्में लोग देखने आते हैं, हमारी फिल्मों को एक इस्तेहकाम मिलता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि बाज़ दफ़ा चीज़ें अनफेयर भी हो जाती हैं कि सिनेमा ओनर्स, क्योंकि जब उनके पास इंडियन फिल्में आ रही थी हर हफ्ते, उनके पास इतने निकल आए थे कि वो हमारी फिल्म को फेयर प्ले नहीं दे रहे थे, और वो फिल्में जिनको थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ माउथ की जरूरत है, उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही थी। मैं बाजी की ही बात करता हूँ, बाजी ने पहले हफ्ते में, पहले वीकेंड में, पहले हफ्ते में एवरेज बिजनेस किया, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन थे कि ये खालिस कमर्शियल फिल्म नहीं थी, ईद पे नहीं लगी थी, वर्ल्ड कप के दौरान लगी थी, और इसमें कोई बड़े स्टार्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमें सेकेंड और थर्ड वीक खुला मिला, इंडिया इंग्लिश फिल्में बड़ी लग रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे और कंपेटिटिव लैंग्वेज में कोई फिल्म नहीं लग रही थी उर्दू हिंदी में, तो फिल्म को बम्पर सेकेंड वीक मिला, बम्पर थर्ड वीक मिला, और फिर ये फिल्म 8, 10, 12, 14 हफ्ते चली आराम से, और इसने बिजनेस किया। और अभी भी ये अगर कोरोना तक चल रही थी फिल्म, आपको पता है लाहौर में फिल्म जब ये सिनेमा बंद हुए थे, इट वॉज स्टिल रनिंग इन लाहौर ऑलमोस्ट 6 months लेटर। सो द पॉइंट इज कि क्यों ये हमें मार्जिन मिला, क्योंकि इंडियन फिल्म्स नहीं थी, बट फॉर द सेक ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी फिल्म को साइड पे रख दूं, ओवरऑल फॉर पाकिस्तानी सिनेमा, हैविंग इंडियन फिल्म्स इन सिनेमाज वाज गुड, बिकॉज सिनेमाज की तादाद बढ़ रही थी, जितनी सिनेमाज की तादाद बढ़ेगी उतने सिनेमाज में अपनी आप फिल्म लगाएंगे और उतना आप बिजनेस हासिल करेंगे, और लोग सिनेमा में आ रहे थे, तो जब इंडियन फिल्म देखने आ रहे थे तो एक शौक बन गया था, लोगों की एक रूटीन बन गई थी, तो वे पाकिस्तानी फिल्मों को भी वो वेलकम कर रहे थे। एग्जैक्टली आप किसी से भी पूछें, वो ये बात की, इस बात की तायीद करेंगे। अच्छा, अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, मैं चाहूंगा कि साकिब ने अभी पिछले दिनों सेल्फ आइसोलेशन में, क्वारंटीन में, व्हाटएवर यू कॉल इट, जो आपने कब फिल्में देखी हैं, बहुत पढ़ा है, कोई एक बुक हमें रेकमेंड करें, हमें एक एक इंग्लिश अंग्रेजी की फिल्म रेकमेंड करें, एक पुरानी बेशक कोई पाकिस्तानी फिल्म रेकमेंड करें, और एक हमें इंडियन फिल्म रेकमेंड करें। चार असाइनमेंट्स, कहां से शुरू कर लें? ओके, बुक्स तो मैं सच बताऊं, मैं बहुत सारी बुक्स जमा करता हूं लेकिन पढ़ता बहुत कम हूं, लेकिन मैं जो चीजें पढ़ता हूं ना, आई रीड न्यूज़पेपर्स, मेरा दिन में 3 घंटे न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूं मैं। Really? दुनिया, हाँ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ता हूं, डॉन भी पढ़ता हूं, जंग भी पढ़ता हूं, सब कुछ पढ़ता हूं। उसके अलावा मैं आई एम एन एविड रीडर ऑफ न्यूज मैगजीन्स, और मैं इंटरनेट पे आर्टिकल्स ढूंढता हूं, सो आई एम अ वेरी एविड रीडर ऑफ आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू कीप माय सेल्फ इन्फॉर्मड। ठीक है, अच्छा, आई थॉट आपने, जब मैंने बहुत पढ़ा है तो आई थॉट आपने किताबें पढ़ी है, इसलिए मैंने किताब का पूछा। किताबें मैंने बहुत सारी जमा की हुई है, लेकिन अभी तक मैंने कोई उठाई नहीं है, सच बताऊं, लेकिन मैं करंट अफेयर्स वगैरह, बाकी आर्टिकल्स वगैरह बहुत पढ़ता हूं, मैगजीन आर्टिकल्स। फिल्में मैंने बहुत सारी देखी हैं, सीरीज मैंने बहुत सारी देखी हैं, एंड आई टेल यू, आई फाइनली सॉ, क्योंकि नेटफ्लिक्स अभी मैंने रिसेंटली लिया, तो आई फाइनली सॉ, ओ माय गॉड, आई कांट, ब्रेकिंग बैड, हाय हाय हाय, सीरियल क्या जबरदस्त, क्या बात, व्हाट कैरेक्टराइजेशन, आई जबरदस्त, आई रियली एंजॉय। आप सांस लेना भूल जाते हैं, आप यू फॉरगेट कि आपने कुछ और भी करना था जिंदगी में। उफ, और फिर आप बिलीव करें, मैंने एक और चीज क्या देखी, क्या, तन्हाइयां, क्योंकि मैंने कभी तन्हाइयां देखा ही नहीं, मैंने सीरियल देखा नहीं था पीटीवी का, क्योंकि उस वक्त मैं अमेरिका में होता था, ये 1987 की बात है, मैं पढ़ रहा था, तो आई मिस्ड इट,
एंड आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट कि आई फाउंड इट ऑन यूट्यूब, तो मैंने बैठ के तन्हाइयां देखा है. एंड इट वाज सच ए ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, वो पुराने फोन और वो जिस तरह की बातें और वो कपड़े और फिर द परफॉर्मेंसेस ऑफ मरीना खान एंड शहनाज शेख एंड सम ऑफ द सीन्स फुली शॉट, दैट वाज सच ए वंडरफुल ट्रिप डाउन मेमोरी लेन. तो मैंने तन्हाइयां देखा, व्हिच आई रियली एंजॉयड. इंडियन मूवीज मैंने अभी इसलिए ज्यादा नहीं देखी क्योंकि मैं वैसे भी बड़ी स्क्रीन पे पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने अभी वो देखी शुभ मंगल ज्यादा साधवन, विच इज इंडियाज फर्स्ट फिल्म दैट इज टैकलिंग द गे थीम. क्योंकि अभी आपको पता है वहां सुप्रीम कोर्ट ने हैज डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, सो दे मेड दिस फिल्म विद आयुष्मान खुराना. सो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म एंड क्वाइट अ बोल्ड फिल्म. और आयुष्मान खुराना की भी बड़ी सोशल मैसेजेस वाली फिल्में आई हैं, जैसे अंधाधुन, बधाई हो बधाई, तो जरा ऑफ बीट फिल्मों में काम करते हैं. आई एंजॉयड दैट, इट वाज बेहतर थी. और बाकी अंग्रेजी की कोई फिल्म? अंग्रेजी का आपने ब्रेकिंग बैड बता दिया सीजन. ब्रेकिंग बैड सीरियल था. इंग्लिश की फिल्म अभी मैं देखने लगा हूं, मैंने चार पांच अलग की हुई है. सो आई एम ओह ऑफ कोर्स आई सॉ कंटेजियन बिकॉज़ आई हैड मिस्ड इट. और जब से कोरोना शुरू हुआ सबने देखी है, दैट इज एसेंशियल वॉचिंग. एंड आई टेल यू आई हैड गूज़बम्प्स वॉचिंग दैट फिल्म बिकॉज़ हाउ द हेल डिड दे प्रेडिक्ट इट. I mean, if you see that film, so much of what is going on is true. कि कोरोना को आप कैसे देखते हो? ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिन पे कोई ट्रस्ट हो रहा है? ये सब मैन मेड है या अल्लाह की तरफ से कोई आ गया है? ये क्या सीन है? What do you think? ये चक्कर क्या है? कोई इकोनॉमीज को गिराने के लिए कोई यहूदी साजिश है, कोई चीनी साजिश है, कोई जापानी, क्या है ये? देखें, क्योंकि मैं एक टोटल पेट्रियट पाकिस्तानी हूं, इसलिए मैं तो कहूंगा हर साजिश सही है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ साजिशों में बिलीव करते हैं. लेकिन लेकिन आई थिंक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर ये साजिश है तो इस साजिश में सब लोग फंसे हैं, कोई बच के नहीं निकला. ये एक ऐसी वबा है और हम लोग ऐसे हिस्टोरिकल टाइम में जी रहे हैं कि साजिश ने पूरी दुनिया का जो सिस्टम था, जो फैब्रिक था, उसको ऑल्टर करके रख दिया है. और आई डोंट थिंक हम कभी उस दुनिया में वापस जाएंगे, और शायद उस दुनिया में वापस जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि exactly. जिस तरह वो जो दुनिया जो थी, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें थे हम लोग, ऑफ ग्रीड, ऑफ नो रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट, बस बनाते जाओ, हासिल करते जाओ, उन चीजों की आपको जरूरत भी नहीं थी. अब आप देखिए हम जिंदगियां जी रहे हैं, क्या आपको इतने कपड़ों की जरूरत है? क्या आपको इतना खाने की जरूरत है? क्या आपको इतनी चीजों की जरूरत है? नहीं, एक्चुअली हमें बहुत कम चीजों की जरूरत है. हमें लोगों की जरूरत है, हमें मोहब्बत की जरूरत है, हमें अच्छा जीने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत है. तो हम एक ग्रीड की दुनिया की तरफ जा रहे थे. तो आई थिंक कि ये लॉ ऑफ नेचर है कि हमने चीजों को इतना आगे पुश कर दिया था कि दुनिया ने खुद एक ब्रेक लिया और कहा है कि इससे पहले कि हम खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएं, हम जरा रुक जाएं. सो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी साजिश है, क्योंकि इस साजिश से कोई बच के नहीं निकला. नहीं, साजिश बैकफायर भी तो कर सकते हैं ना. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साजिश की थी सी, बट खुदा अपने दाम में सयाद आ गया, तो वो कहीं अपने... अब हो भी सकता है, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू बी पॉजिटिव एंड आई वुड लाइक टू थिंक के वी नीड टू लर्न व्हाटएवर इट इज. चले साजिश ही थी, साजिश थी या अपनी गलतियां थी या एक कोई गलती होगी वो बढ़ गई. द पॉइंट इज ये तो हो गया ना, हमें इससे सीखना क्या है? How do we live our lives as humanity better? How do we continue our common cycle of humanity better? क्योंकि इस चीज ने हमें ये तो बता दिया कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं हैं. ये वबा जो है कोरोना COVID-19, ना ये देखती कि आप मुसलमान हैं, ना ये देखती आप यहूदी हैं, ना ये देखती आप अमीर हैं, ना ये देखती आप गोरे हैं, ना ये देखती आप काले हैं, ना औरत हैं, ना मर्द हैं, ना आप कोई तीसरी जिंस है, कुछ भी नहीं है. Anybody who is human can suffer from this. And we need to realize कि हमें बहुत सारे जो हमने दीवारें खड़ी की हुई है, इख्तलाफात खड़े किए हुए, हमने जो प्रेजिडिसेस बनाए हुए हैं, जो लोगों को हम लोगों ने बांटा हुआ है, अपनी दुनिया को बांटा हुआ है, वो चीजें इरेलीवेंट हैं. और ये टाइम खुदा के लिए हमें इन चीजों पर सोचना चाहिए और लगाना चाहिए कि हम अपने आप को असेस करें, अपनी बिलीफ सिस्टम्स को असेस करें, हम जितना दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं उसको असेस करें. और वो चीज़ें गलत हैं, बहुत सारी चीज़ें जितना हम लोग सोचते हैं वो गलत चीज़ें हैं, और हमें इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए.
और हमें सब रियलाइज करना चाहिए कि ये चीज हमें बताती है कि हम इकट्ठे उठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे मरेंगे, इकट्ठे जिएंगे। एग्जैक्टली, इकट्ठे लॉकडाउन में जाएंगे, इकट्ठे बाहर निकलेंगे और सड़कों पे तबाही मचा देंगे शॉपिंग मॉल्स में। अब आपको पता है ये तो खैर कुछ तो हमारा कल्चर है ही है। आई नो इतना लोग साकिब, बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने और साकिब ने बड़े अरसे से प्लान किया हुआ था, साकिब को मैंने तो राइजिंग पाकिस्तान के अपने शो के सेट पे लेके आना था, लेकिन अब अभी मैं इधर मैनचेस्टर में फंसा हुआ हूँ, साकिब भी पता नहीं कब हमारी मुलाकात होगी, लेकिन मेरे शो में आपने जरूर आना है पीछे की। नहीं, आई विल, आई वुड लव टू, दैट्स अ प्रॉमिस। भाई गिराई है, आप भी इस्लामाबाद के, मैं भी इस्लामाबाद का हूँ, अब मैं कराची में होता हूँ, तो ये तो बनता ही है। अगर टाइम भी एब्सोल्युटली, यार, 1 hour of our conversation just gone. Exactly, exactly. It's always fun to talk to you. Thank you so Thank much. You. All the best. Thank Thank you, you, everyone. साकिब मलिक से आपकी मैंने मुलाकात करवाई, अभी इसको मैं अपनी स्टोरी पे डाल दूंगा और कल ये फेसबुक पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट के तौर पे भी आ जाएगी। तो ये टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कल रात को 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी को मैं लेकर आऊंगा, बल्कि मैं आपको बताता चलूं, चले बता देता हूं जनाब कल कौन आ रहा है। नहीं 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 बताता, अभी थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तान टाइम रात 12 बजे मैं पोस्टर रिलीज कर रहा हूं कि कल कौन आ रहा है। चलिए आपको हिंट दे देता हूं, पाकिस्तान के एक लीडिंग न्यूज चैनल की एक लीडिंग एंकर हैं जो आ रही हैं लाइव विद तौसीक हैदर में कल, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है, पोस्टर रिलीज होने लगा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।